विश्राम नेबा पई सेमाने बर गछ मूळरे बसी पड़िले। सेही राज्यर राजांकर मृत्यु हो सारिथाय। राजा किए हेबो सेथिपई हाथी मुंडरे कलश दिया होइथाय। हाथी जहाँ उपरे कलश ढालिबो से राजा हेबो। हाथी कलश धरी चली चली बर गछ पाखरे पहुँचिला ओ कलशीटी को दिबाकर ओ ता स्त्री बसिथिबा स्थानरे ढालिदेला। दिबाकर सेही राज्यर राजा ओ ता स्त्री पात्रराणी होइ राजमहलरे रहिले। किछि दिन बीतिगला। राणीर गोटे सुंदर पुओटी जन्म होला। राजा पुओर जन्मदिन में अनेक दान धर्म कले। राज्यवासी कुओं पोखरी खोलागला। कुओं पोखरी खोलिबापी माटी बोईवापी अनेक कर्मचारी निजुक्त होती। सेपटे साधव घर अवस्था बहुत संकटापन चली था। पिंधिबाकु तो दूर कथा, खाइबाकु गंडे दाना मध्य मिलुन थाए। सेमाने जानिबाकु पाइले जे दूर देशर जणे राजा आसी कुओं पोखरी खोलाउछन्ति। माटी बोईवापी बहुत कर्मचारी निजुक्त होने भाविले भिक मागिबा अपेक्षा मूल लगे दि पैसा रोजगार करी से ही पेट पोषा। यह भावी से राज्य में पहुँचिले। माटी बोहवा कम निजुक्त करागला। दिने राणी से ही बाट दे जा समय शाशु शशुर छा और देढ़शुर को मटी बोथवर देखी आश्चर्य होगला और ता स्वामी को जा सब कहला। राजा रोसैया को आदेश दे आज अधिक रांधि आ भल कर रांधब। सेपटे राणी सेवक मान कहले से जो सतज पुरुष और महिला अच्छा स्नानपाई सब सामग्री और पिंधा को पाट लुगा दे। राजा और राणी कहवा अनुसार सेवक मैंने आदर सत्कार करने को लगे। यह देखिए से निज निज भर कुआ कही हेले आमर बोधे कम कि भूल हो राजा बोधे आम मुंड काट करें से आम ये आदर सत्कार कर तापरे समस्त को राजमहल भितर को नियागला। भोजन पाई आसन पड़ा से आसन उपर बसी पड़े। राणी निजे हाथे ओढ़ना टाणी खाद्य परसवापी आसिले। समस्त थाली रे भात तरकारी लुण सबू दे किंतु शाशु आउ शशुर थाली रे लुण दे सब परसवापर राणी पचारे आउ कौन ने बोहूर कंठस्वर बारी नपारी शाशु कहला लुण टिके देते भल हाँ केते देवी लुण कि कह शाशु शशुर गुण। यह शुणी समस्ते जापारे पाटराणी आउ के नुहे सान बोहू बोली से निज मुंडर ओढ़ा काढ़िले। सान बोहू को देखे समस्ते कांदिबाकु लगिले। बड़ बोहू कहला आम तो नारे मिछ कहलु आउ तोते घर तड़ीदेलु से आज आमर ए दशा तु आम को क्षमा कर दे सान बोहू। सान बोहू समस्त क्षमा दे और निज पाखे रखिला। समस्ते खुशी रही। जदि आपण मानू आम वीडियो भल लगला तबे सब्सक्राइब करने को मोटे भूलंतुनी।